विद्या भारती पंजाब की ओर से विचार गोष्ठी पंजाब कल आज और कल का आयोजन अक्षरधाम मंदिर के विद्याधाम में किया गया, जिसमें केंद्रीय सूचना प्रसारण युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, उत्तम हिंदू के मुख्य संपादक इरविन खन्ना और रिटायर्ड विंग कमांडर अमरजीत सिंह ने विशेष रूप से भाग लिया और अपने अपने विचार पेश किए। इस मौके पर आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को विद्या भारती के सदस्यों की ओर से विशेष तौर पर सम्मानित भी किया गया। मंच संचालक प्रधानाचार्य अखिलेश्वर, संगठन मंत्री राजेंद्र कुमार, महामंत्री नवदीप शेखर, विनोद फकीरा, संजय कोचड़, RSS महानगर संघ चालक डॉक्टर सतीश शर्मा, सुमेश लूथरा, जॉय मालिक विभाग के सह कार्यवाहक महेश गुप्ता सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। जलंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। पंजाब का भारतीय इतिहास में एक विशेष स्थान है, जो कल का गीता पंजाब हम जिसको कहें और जिसको आज हम खड़क बजा के नाम से जानते हैं, अतीत का वर्तमान के साथ जुड़ाव होता है। तो जिसने भारत पे विजय करनी थी उसको पहले पंजाब विजय करना पड़ता है। जितने भी उधर से खैबर दर्रा से जो आए लाहौर या सतलुज तक ये दरिया समझे उनको, वहाँ से जितने भी आक्रमण करके आए उनका पहला लक्ष्य होता था पंजाब जीत। जिसने पंजाब जीत लिया वो उत्तर भारत का विजेता माना जाता था, हम समझे कि भारत का विजेता बना। कल आज कल के जो संक्षिप्त में आप लोग अपने अनुसार से सुनता है कि हम सब पंजाबियों के लिए, क्योंकि अराजता नकारात्मक नेगेटिविटी जिसको हम कह सकते हैं पंजाबियों का ये गुण नहीं है। पंजाबी पूरे दिल के हैं, भाईचारा भी है, अच्छा करते हैं, सब मान सम्मान सब देते हैं, लेकिन संगीत का चाहे इंसान के स्तर पर, इंडिविजुअल स्तर पर, चाहे समाज के स्तर पर उसका नुकसान दे है, उसका कोई भी नहीं। जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो प्रणाम पॉजिटिव कैसे हो सकता है, तो उस नेगेटिविटी को छोड़ते हुए अपने अतीत को पहचानते हुए यहाँ पर देखिए गुरु ग्रंथ साहब भी यहाँ पर रचेंगे, ऋग्वेद भी यहाँ पर हुआ, महाभारत का युद्ध भी यहाँ पर है। ये हमारा अगर कलयुग में गुरु ग्रंथ साहब मानता कि सबसे बड़ी देव पंजाब में हो, अगर अतीत में ऋग्वेद सबसे प्रारंभ होते वो भी पंजाब में। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय अमरजीत जी, विद्या भारती के माननीय संगठन मंत्री आदरणीय राजेंद्र जी, दैनिक सवेरा समूह के मालिक एवं प्रसिद्ध उद्योगपति आदरणीय शीतल विज जी, चिंतक विचारक और एडिटर इन चीफ उत्तम हिंदू के आदरणीय अरविंद खन्ना जी, विद्या भारती के महामंत्री आदरणीय नवदीप शेखर जी, महानगर के हमारे माननीय संचालक आदरणीय सतीश जी, हमारे DAV के प्रिंसिपल आदरणीय संजीव नवल जी, उपस्थित सभी विद्या भारती के पदाधिकारीगण अधिकारीगण, मेरे प्रिय भाई और बहनों और मीडिया से आगे मिलती हूँ। मैं सबसे पहले तो आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस गोष्ठी का आयोजन किया। मैं इरविन जी के विचार भी सुन रहा था, इतिहास की जानकारी आपको दे भी रहे थे, मन ही मन में ये सवाल खड़े हो रहे थे कि कहां हमारा पंजाब तो और कहां हम पहुंचे। जब कभी हरियाणा हिमाचल पंजाब का हिस्सा होते थे, जलंधर एक शिक्षा का केंद्र था और शिक्षा के साथ साथ ये इंडस्ट्री का एक केंद्र भी बना। लेकिन समय के साथ साथ कई बार क्या होता है, अगर आपको नेता अच्छा ना मिले, नेतृत्व अच्छा ना मिले और नीतियां सही ना हो तो गिरावट आना स्वाभाविक है। 1996 से लेकर 2022 तक कांग्रेस के सांसद यहां से बनकर आए,
अब चौथी बार तो मैं भी सांसद बन गया। मुझे ये नहीं याद अंदर कि मुझे आज तक बोला कौन पार्लियामेंट, 15 साल तो मुझे ही हो। तो आपका प्रतिनिधि कौन है? क्या वो आपका प्रतिनिधि करने लायक भी है? क्या वो आपकी आवाज को सही मायने में देश के सामने संसद में रख पा रहा है? क्या जलंधर के 20 लाख लोगों को, जिनमें से 15 लाख से ज्यादा वोटर होंगे, क्या उनकी आवाज को 15 बार भी उठा पाया? तो मैं कह रहा हूं कि जब मैं जलंधर से गया, तब जलंधर एक हब होता था शिक्षा का भी, स्वास्थ्य का भी, 250 से ज्यादा अस्पताल है, रेलवे का भी, स्पोर्ट्स का भी, इंडस्ट्री का भी। लेकिन हमने कुछ दिनों में क्या किया, मैंने सांसद बनने के बाद अपनी सूची बनाई कि मुझे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए क्या करना है। सड़कें सब तरफ से फोर लेन हाईवे, मेरा एक भी जिला ऐसा नहीं बचेगा जहां पे फोर लेन हाईवे ना हो। मान लीजिए भनपुली कीरतपुर से लेके बिलासपुर सुंदरनगर के ये सड़क में बनवा रहा हूँ फोर लेन, 15 दिनों में उद्घाटन होने वाला है। 87 किलोमीटर की सड़क 57 किलोमीटर की रह जाएगी, 3 घंटे 35 मिनट लगते हैं जाने में, अब केवल 40 मिनट में पहुंच जाऊंगा।